भाई जितना बढ़िया इसका ट्रेलर था ना, उतनी ही फुद्दू ये वेब सीरीज है भाई। मेरा मूड ही खराब हो गया। इतनी बढ़िया स्टार कास्ट, शरद केलकर, शिल्पा शेट्टी, विवेक ओबरॉय, सिद्धार्थ मल्होत्रा, मुकेश ऋषि, निकितन धीर, श्वेता तिवारी, ये सारे एक्टर्स थे भाई इसमें। उसके बाद ये आउटपुट निकली है, मतलब ये 7-8 एपिसोड जितने हैं ना 35 से 40 मिनट के हैं। देखोगे 2-3 घंटे दोगे इसमें। वेस्ट है भाई, पूरे वेस्ट है। मैं सुबह सुबह जल्दी उठ के 3 वीडियो फटाफट शूट करिए, एडिट करिए, ताकि मेरे चैनल पे अपलोड हो जाए, फिर उसके बाद मैं ये देखूं। भाई मैं क्यों ही जल्दी उठा, मेरे को तो ये सवाल अपने आप से करना पड़ रहा है। और दूसरा सवाल भाई रोहित शेट्टी से है कि भाई साहब क्यों क्यों बनाई ऐसी वेब सीरीज। भाई अगर वेब सीरीज देखने का इतना ही शौक है ना आप लोगों को, तो भोकाल देख लो, पाताल लोक देख लो, मिर्जापुर देख लो, गुल देख लो, ऐसी वेब सीरीज देखो जिसमें दम हो। इंस्पेक्टर विनाश देख लो, ये है वेब सीरीज जिसमें एक्शन वगैरह सब कुछ बढ़िया है, थ्रिल वगैरह है, सस्पेंस है, सब कुछ है उसके अंदर। एक ये वेब सीरीज आई है, एक्शन के नाम पे फुद्दू काटा हुआ है। मतलब तुम्हें ये तक पता चलेगा कि सामने वाले को ना थप्पड़ लग रही है ना लाते लग रही है, वो ऊपर ऊपर से हाथ घुमाई जा रहे हैं। अब क्या गली मोहल्ले के बच्चों की लड़ाई है क्या ये, जो तुम उसको इस तरीके से दिखा रहे हो? भाई इतनी बढ़िया स्टार कास्ट होने के बाद तुमने उनका पोटेंशियल ही यूज नहीं किया एक भी एक्टर का। विवेक ओबरॉय थोड़ा बहुत अच्छा कर रहा है, तीसरे एपिसोड में चटका दिया तुमने, फ्री कर दिया, ठीक है, गोली लग गई भाई साहब को। लास्ट में शरद केलकर बढ़िया कर रहा है, शरद केलकर के एपिसोड कितने हैं? सिर्फ 2, वो भी लास्ट के। संभाल कौन रहा है? सिद्धार्थ मल्होत्रा, शिल्पा शेट्टी और निकेतन धीर। अब निकेतन धीर की बात कर लो, भाई एक नंबर एक्टर है, ठीक है, सबसे लो ग्रेड का इसको पुलिस ऑफिसर बनाया हुआ है, जो सिर्फ ऑर्डर ले रहा है, ऑर्डर मान रहा है। बंदे पकड़ ले, हाँ जी पकड़ लिया, साथ में खड़ा हो जाए, हाँ जी खड़ा हो गया, जा गोली मार दे, गोली मारा, लड़ ले, लड़ लिया। भाई तुमने उसके अंदर का पोटेंशियल यूज नहीं किया, उसको प्रॉपर कैरेक्टर ही नहीं दिया, और कैरेक्टर दिया तो उसके अंदर रौब रुतबा कुछ दिया ही नहीं तुमने उसको, है भाई। एक ड्रग लॉर्ड से इनकी लड़ाई होती है, लड़ने कौन जाता है? निकेतन धीर, शिल्पा शेट्टी और आपका सिद्धार्थ मल्होत्रा। अब वो ड्रग लॉर्ड है भाई, इतना बड़ा आदमी, ठीक है, उसके पास लड़ने के लिए इतनी बड़ी गैंग होनी चाहिए, इतना कुछ होना चाहिए। उसकी फिशरी का है फ्रंट, यानी कि वाइट में जो काम करता है वो फिशरी का है, ठीक है। वहां जाते हैं भाई, 100-125 बंदा है, ये 3 मार रहे हैं और लग किसी के नहीं रहे, ठीक है, बस मार रहे हैं। 2 बंदे 3 बंदे ये मार रहे हैं, जिसमें से अलग एक और है, 2 ऐसी साइड हो जा रहे हैं, ठीक है। फिर शिल्पा शेट्टी के टाइम पे 3 लड़के आते हैं मारने के लिए, ये एक को मारती, एक भाई साहब अपने आप लेट जाते हैं, पीछे पीछे देखोगे ध्यान से तो वो लेट जाता है, दूसरा वेट करता है कि ये इसको मार लेगी फिर मेरे को मारेगी। अबे भाई कुछ तो दिखा देते यार, तुमने कुछ भी ढंग का नहीं दिखाया है भाई। वेब सीरीज के अंदर गाने कौन डालता है? तुमने इसके अंदर गाना डाल रखा है, और कहीं कोई इमोशनल कनेक्ट नहीं है भाई, कोई इमोशनल कनेक्ट नहीं है। मतलब कोई मर भी रहा है ना, तुम्हारे को अंदर से वो फील ही नहीं आएगी। किसी का पति चला गया, कहीं बच्चे खत्म हो गए, कहीं कुछ हो गया, मतलब तुमने भाई उसके अंदर से इमोशनल वो जोन ही निकाल दी कि बंदा वो कनेक्ट कर ही नहीं पाएगा। सिद्धार्थ मल्होत्रा गाड़ी लेकर, गाड़ी के पीछे भाग रहा है गाड़ी पकड़ने के लिए, बाबूजी से गाड़ी ढंग से नहीं चल रही, ये टकरे मार रहे हैं भाई। कभी इसकी गाड़ी की ढुई बस में टिक रही है, कभी इसकी गाड़ी कहीं टिक रही है, कभी कहीं घुस रहा है, कभी कहीं घुस रहा है। टेररिस्ट गाड़ी पे इसके आगे भाग रहा है, साली रोड पूरी खाली है, वो जबरदस्ती टकरे मार रहा है, लोगों में घुस रहा है, बसों में घुस रहा है, जबरदस्ती की तोड़फोड़ दिखाई दी है भाई। मतलब जरूरत ही नहीं है, स्ट्रेच कर रहे हैं जबरदस्ती का, मतलब कुछ भी गिरा रहे हैं। अरे मेरे भाई, व्यूअर पागल है क्या? देखने वाला सटक गया है, चटक गया है, क्या हो गया हम जैसे लोगों को भाई? और भाई तुमने इतनी महंगी स्टारकास्ट ले रखी है, पैन इंडिया में शूट कर रखा है, उसके बाद तुम ये दे रहे हो? मतलब ट्रेलर तुमने ऐसा काट के दे दिया कि कस्टमर जो है फट से लग जाए, कि जैसे रिलीज होगा बैठ जाए वो सीधा सीधा टीवी चला के, ठीक है, और बैठने के बाद तुम ये परोसोगे। मतलब इनविटेशन दिया तुमने खाने का कि आज जो है राजभोग लगेगा, और वहां पे है क्या? खिचड़ी और रायता, कि भाई खा के निकल लो। अरे मेरे भाई, मेरे यार क्यों ही बना दिया यार, मेरे तो मूड ऐसा खराब हो गया ना, मन तो कर रहा है कैमरा में घुसा घुसा मार के ना मैं तुम्हें असली में एक्शन दिखा दूं, नहीं दिखा सकता, जेब का नुकसान हो जाएगा यार, क्या ही बताऊं। नेगेटिव रोल में जो है उसके अंदर कोई दम नहीं है, मतलब ना उससे डर लगेगा, ना वो भयानक है, ना ही उसने काम ऐसा कुछ कर रखा हो कि ना नहीं, और क्या कब्जी हो गई थी क्या तुम्हारे नेगेटिव रोल वाले को, है नाम ऐसा जरार दे रखा है कि पता नहीं क्या ही करके उखड़ेगा, मतलब दुनिया फाड़ देगा, जला देगा। VFX भाई, वो छत से देख रहा है, 4-5 जगह अलग अलग बॉम्बिंग उसने जो कर रखी थी, सीरियल बॉम्बिंग प्लांट कर रखी थी, वो फट रहे हैं, कुछ नहीं है, नहीं पकड़ पाते ये भाई, 1 साल 2 साल पकड़ नहीं पा रहे, नहीं पकड़ पा रहे। जब ये पकड़ते हैं
उसके बाद भाई क्लाइमेक्स इतना वीक जिसकी कोई हद नहीं। ये इंडिया वापसी एंटर कर रहे हैं वाया रोड, ठीक है, गाड़ी से, पीछे दूसरी कंट्री की फोर्स इनके पीछे लगी हुई है, इंटेलिजेंस वगैरह लगी हुई है भाई, वो इन्हें नहीं रोक पाई। इतना प्रिडिक्टेबल सीन है, सीधा सीधा अंदर घुस गए अपनी कंट्री में, पीछे से वो सिर्फ देख रहे हैं और तुम्हें शुरू से रियलाइज हो जाएगा कि यहाँ पे सीधे सीधे निकल जाएंगे। मतलब यार कुछ तो दे देते, इतना पैसा खर्चा ऑडियंस के लिए, ऑडियंस को कुछ तो मजा बांध देते, कोई एक रोल तो ऐसा दे देते सारा जो बढ़िया होता, भले एक कॉमेडी का रोल दे देते, कुद्दू दिखा देते इसमें, कुछ तो दिखा देते, कहीं जो संतुष्टि देते। विवेक ओबरॉय भाई बेखाम का चटक गया, सीधी गोली लगी, एक गोली में डेड, जो बंदा ढंग का कर रहा है गायब कर दिया तुमने उसको। उसके बाद शिल्पा शेट्टी भाई, उसका काम क्या है, ऑर्डर देना, ऑर्डर के पीछे चार बातें सुनाना बस। कोई अगर ये किसी को पकड़ लें तो उसको फोन पे बात करवा देनी, चार गालियां दे देनी, चार बातें सुना देनी, मतलब कुछ नहीं है। हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा लड़ भी रहा है, इनके ऑर्डर भी ले रहे हैं, वो दूसरों को समझा भी रहे, भाई क्या है ये भाई। तुमने पुलिस ली है, तुम पुलिस के ऊपर बात कर रहे हो, पुलिस का रौब होता है, एक रुतबा होता है, एक पावर होती है, एक पैशन होता है, दिखता है, वर्दी डलते के साथ ना आदमी में कड़ आ जाती है अपने आप। अरे तुम्हारे पुलिस वाले देख लो ठटरी के, समझ नहीं आता बनाए किस तरीके के। अब हमारे यहाँ भाई वो चने बेचने वाला ज्यादा खड़ा रखता है इससे, मतलब इतना फुद्दू बनाया है, इतनी गंदी वीडियो, मतलब इतना गंदा तुमने सीरीज बनाई है, माथा ही चटक गया है देख के कि क्यों ही बनाई है। पूरा टाइम वेस्ट, जितना देर लगाई, ढाई तीन चार घंटे जो दिए पूरे वेस्ट। और भाई इसको मैं देता हूँ 2 स्टार, दो भी सिर्फ एक इसमें ये जोड़ लो उसका है जो इतनी महंगी स्टार कास्ट ली है, पैन इंडिया में शूट की है, इतना सब कुछ करने के बाद जो है क्या बोलूं मैं, मतलब समझ नहीं आ रहा। तुम 1 स्टार वैसे ले लो, समझ लो बस देख लिया, खुशी के मारे दे दिया कि पहले की जो इनकी मूवीज थी वो बढ़िया थी। मतलब ना ही सिम्बा, सूर्यवंशी या फिर सिंघम किसी से कंपैरिजन नहीं कर सकते, वो सारी कहाँ है और ये क्यों है। कुछ तो बढ़िया परोस देते मेरे भाई, पूरे सीजन में जान नहीं थी, एक एक करेक्टर में तो जान डाल देते। मुकेश ऋषि सर हैं, इतने बढ़िया एक्टर हैं, है गर्व पिक्चर में देखा था उनका नेगेटिव रोल जबरदस्त, और यहाँ पॉजिटिव रोल में पुलिस में कमिश्नर जैसी लेवल की पोस्ट पे वो बैठे हुए हैं, कोई दम ही नहीं है। आ रहे हैं मुफ्त का खाना खा रहे हैं, चले जा रहे हैं, खाना तो खिलाया खाना तू मुझे। अरे भाई तुम 2 बारी डिनर कर गए, 1 बारी बिल भी भर देते हमें कहीं तो। वे यार तुम्हें क्या बोलूं यार, मतलब क्यों है यार, ये क्या ही बनाया है यार, और किस हिसाब से बनाया समझ नहीं आएगा। जिसने नहीं देखा भाई मत देखना, जिसने देखना है, अगर तुम किसी के हार्डकोर फैन हो या चाहे वो रोहित शेट्टी की डायरेक्शन के फैन हो या इन एक्टर्स में से किसी के फैन हो तो देख लेना, अदरवाइज तुम टाइम निकाल के सोचो देखने बैठोगे मत देखना। हाँ इतना जरूर है कि ये फैमिली ओरिएंटेड है, इसके अंदर ना कोई गाली है ना कोई गंदगी है, तो तुम अपनी फैमिली के साथ देख सकते हो, बट वार्निंग और रिक्वेस्ट दोनों एक ही है, मत देखो, वेस्ट है। ओवरऑल अगर इसको एवेल्यूएट करूं, गाना जबरदस्ती का, एक्शन फुद्दू, दिख रहा बच्चों की लड़ाई है, थ्रिल है ही नहीं, कुछ भी देखकर ऐसे एंटिसिपेट करोगे ही नहीं कि हाँ भाई अब कुछ बढ़िया होगा, नहीं होगा, एक्सपेक्टेशन ही मत रखना शुरू करने से पहले। स्टोरी लाइन वीक, प्लॉट इतना जबरदस्त है भाई, सीरियल बॉम्बिंग के ऊपर तुम वेब सीरीज बना रहे हो, इतना तगड़ा प्लॉट है, क्या नहीं कर सकते इसके अंदर, पर करा क्या फुद्दू, कुछ नहीं। अब भाई किस चीज की बात करूं, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, स्टोरी लाइन तो वीक है ही, करेक्टर इतने तगड़े तगड़े पोटेंशियल निकालना चाहते, साले इतने एक्टर ना लेकर 3 एक्टर ले लेते, उनका ही पोटेंशियल कहां निकाल देता हो। श्वेता तिवारी ले रखी है विवेक ओबरॉय की वाइफ, विवेक ओबरॉय दूसरे एपिसोड में चटक जाते हैं, 3rd एपिसोड में इनका भी लगभग रोल खत्म, फिर लास्ट में वो एक कॉल जाती है इनको कि हाँ भाई हमने जो है बंदा पकड़ लिया तेरे हस्बैंड का जो किलर था, बस। स्पॉइलर भी साथ साथ इसलिए दे रहा हूँ कि भाई तुम समझ लो, देखने का फायदा नहीं है, पूरा नहीं समझाऊंगा इसलिए इतना कम समझा रहा हूँ ताकि मत देखो, तुमने आधी बातें सुन ली होंगी। भाई यार मैं क्या बताऊं यार, भाई भोकाल देख लो, इंस्पेक्टर विनाश देख लो, इतने बढ़िया बढ़िया वेब सीरीज है वो देख लो, बस ये मत देखो क्योंकि ये है ही नहीं देखने लायक, इन टोटल वेस्ट ऑफ टाइम, और अगर इसके चक्कर में प्राइम का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो वेस्ट ऑफ मनी भी है भाई। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है रोहित शेट्टी सर से कि सर कृपया कर इस तरह के वेब सीरीज या मूवी ना बनाएं, और इन फ्यूचर भी जो आपकी नई मूवी आ रही है सिंघम अगेन, और उसमें भी यही सब है, इतनी बड़ी मल्टी स्टारर जो आपने फिल्म बना रहे हो, तो भाई वो भी रिलीज मत करना, या उसमें कुछ इम्प्रोवाइजेशन वगैरह कर दो, कुछ रेक्टिफिकेशन वगैरह कर दो, वरना भाई वो भी देखी नहीं जाएगी। एक्सपेक्टेशन अभी भी उससे बहुत हाई है क्योंकि आपका पुराना काम बहुत पसंद है, सिंघम ले लो, सिम्बा ले लो,
चाहे सूर्यवंशी ले लो या फिर आपकी गोलमाल वगैरह ले लो, सारी बहुत पसंद है। बस ये जो वेब सीरीज थी ना, पर्टिकुलर ये वेब सीरीज भाई, ये किसी लेवल की नहीं थी। वेब सीरीज के नाम पे सबसे डाउनग्रेडेड वर्जन दे दिया किसी भी स्टोरी का, विजुअली देखा जाए तो। मार्केट में इतनी सारी अच्छी अच्छी वेब सीरीज हैं, उनके कंपैरिजन में भाई ये तू है, निरी फुद्दू, थर्ड क्लास, आ तू। तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय। बस जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।